कोरोना और वैक्सीन को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में जो सवाल हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर जवाब दिए हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण ने जहां एक तरफ गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर वे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि उन्हें ऐसी अवस्था में वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि प्रेगनेंसी की वजह से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता है, साथ ही गर्भवती महिला को टीका लगवाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को बिना लक्षण वाला कोरोना होता है, जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की भी जरूरत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि बचाव के लिए सभी उपाय करने चाहिए, जिसमें कोरोना टीकाकरण भी शामिल है। आपको बता दें, गर्भवती महिलाओं और उनके घर वालों के मन में कोरोना और उसके बचाव के लिए कोविड वैक्सीन को लेकर कई सवाल हैं। इसमें से 5 अहम सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। पहला, अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो जाए तो वह क्या करे? इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक 90% केसों में ऐसी महिलाएं घर पर रहकर ही ठीक हो गई हैं। लेकिन अगर हालत बिगड़ती दिखे तो बाकी किसी दूसरे कोरोना मरीज की तरह उनको भर्ती करवाया जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, थोड़ा मोटापा है, उनको कोरोना का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, क्या माँ को कोरोना होने पर बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है? इस सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि 90% मामलों में कोविड संक्रमित माँ से जन्म लेने वाले बच्चे स्वस्थ होते हैं। कुछ मामलों में कोविड संक्रमण की वजह से समय से पहले डिलीवरी के चांस होते हैं। ऐसे में बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम रह सकता है। ऐसे बहुत कम मामले हैं जिनमें जन्म से पहले बच्चे की मौत के चांस हैं। तीसरा, किन गर्भवती महिलाओं को कोरोना का खतरा ज्यादा है? इस पर मंत्रालय का कहना है कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल है और उनमें मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हैं, उनको कोविड संक्रमण ज्यादा परेशान कर सकता है। साथ ही साथ जो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर आदि के रूप में काम करती हैं, उनको भी इसका खतरा ज्यादा है, मतलब ऐसी महिलाएं जिनका ज्यादातर घर से बाहर आना जाना लगा हो। चौथा, गर्भवती महिला कोरोना होने पर वैक्सीन कब ले? इस सवाल पर मंत्रालय कहता है कि ऐसी स्थिति में डिलीवरी होने के बाद वैक्सीन ली जा सकती है। वैसे भी कोरोना से ठीक होने के 6 महीने बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। आखिरी सवाल, क्या गर्भवती महिला को वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जिसको लेकर कहा गया है कि वैक्सीन कोरोना से रक्षा के लिए है। दूसरी दवाओं की तरह इसके भी कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द आदि। वही भ्रूण या बच्चे पर इसका कोई साइड इफेक्ट अब तक नहीं देखा गया है।